बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑल और होल का इस्तेमाल, ऑल और होल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑल और होल का इस्तेमाल अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। आइए उसका किस तरह सही इस्तेमाल किया जाता है, उनका ऑल का और होल का किस तरह सही इस्तेमाल किया जाता है समझने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दोनों के लिए काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किस तरह ऑल और होल, काउंटेबल नाउन के लिए ऑल और होल किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑल का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है और होल का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। होल का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए, काउंटेबल नाउन सिंगुलर, और ऑल का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन प्लूरल के लिए किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। ऑल वर्सेस होल। डियर स्टूडेंट, सिंगुलर के लिए देखिए होल का इस्तेमाल, द होल कंट्री, होल से पहले द का इस्तेमाल करना पड़ता है। द होल कंट्री इज लॉक्ड डाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। द होल कंट्री इज लॉक्ड डाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। पूरा कंट्री, पूरा मुल्क कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पूरा मुल्क, पूरा कंट्री, पूरा मुल्क कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर द होल का इस्तेमाल किया जाएगा। द होल कंट्री इज लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। अब ऑल का इस्तेमाल जो है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किस तरह किया जाता है, आइए लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं कोरोना वायरस की वजह से तमाम ममालिक लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की वजह से तमाम ममालिक लॉकडाउन है, तो यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए हमें ऑल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑल द कंट्रीज आर लॉक्ड डाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। ऑल द कंट्रीज आर लॉक्ड डाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। डियर स्टूडेंट्स, होल से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑल के बाद में द का इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं उसने बनानास का पूरा बास्केट खा लिया है, उसने बनानास का पूरा बास्केट खा लिया, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही एट द होल बास्केट ऑफ बनानास। ही एट द होल बास्केट ऑफ बनानास। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं उसने बास्केट में के तमाम बनानास खा लिए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही एट ऑल द बनानास फ्रॉम द बास्केट। ही एट ऑल द बनानास फ्रॉम द बास्केट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू ने आसानी के साथ पूरा काम मुकम्मल कर लिया है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, राजू हैज कम्प्लीटेड द होल वर्क इजीली। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं रानी ने तमाम काम बआसानी खुद किए हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, रानी हैज कम्प्लीटेड ऑल द वर्क हर सेल्फ इजीली। डियर स्टूडेंट्स, ये
काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए द होल का इस्तेमाल किया गया और काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए ऑल द का इस्तेमाल किया गया। काउंटेबल नाउन के लिए काउंटेबल नाउन सिंगुलर के लिए द होल का इस्तेमाल किया गया। काउंटेबल नाउन प्लूरल के लिए ऑल द का इस्तेमाल किया गया। काउंटेबल नाउन सिंगुलर के लिए द होल का इस्तेमाल किया गया। काउंटेबल नाउन प्लूरल के लिए ऑल द का इस्तेमाल किया गया। जहन में रखने की कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ऑल और होल का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाइए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ऑल वर्सेस होल का इस्तेमाल काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए किस तरह किया जाता है समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑल वर्सेस होल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तमाम स्टेट्स लॉकडाउन है, सभी स्टेट्स लॉकडाउन है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑल द स्टेट्स आर लॉकडाउन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तमाम स्टूडेंट्स अब्सेंट है, ऑल द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तमाम बॉयज अब्सेंट है, पूरे लड़के अब्सेंट है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑल द बॉयज आर अब्सेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तमाम लड़कियां गैर हाजिर हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, All the girls are absent. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तमाम टीचर्स गैर हाजिर हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, All the teachers are absent. डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा है इसमें कि काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए ऑल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, ऑल द का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं पूरा खाना बासी है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑल द फूड इज स्टिल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं पूरा पानी गंदा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑल द वाटर इज डर्टी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं तब पूरा सोना ओरिजिनल है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑल द गोल्ड इज ओरिजिनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं पूरा पेट्रोल डुप्लीकेट है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑल द पेट्रोल इज डुप्लीकेट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं पूरी फिजा आलूदगी से भरी हुई है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑल द एयर इज पॉल्यूटेड। पूरी फिजा खराब है, ऑल द एयर इज पॉल्यूटेड। डियर स्टूडेंट्स, हमें कभी कभी ऐसा लगता है
कि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होल का इस्तेमाल किया जाता है ऐसा लगता है, लेकिन होल का नहीं बल्कि ऑल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, शी स्टडीड ऑल डे, शी स्टडीड द होल डे। डियर स्टूडेंट्स, शी स्टडीड, उसने पढ़ाई की, ऑल डे सारा दिन, उसने सारा दिन पढ़ाई की। लेकिन ऑल डे का मतलब यहाँ पर यह है कि उसने पढ़ाई के साथ साथ दूसरे और काम भी किए। लेकिन यहाँ पर द होल डे, शी स्टडीड द होल डे, शी स्टडीज, उसने पढ़ाई की, द होल डे सारा दिन। द होल डे का मतलब है कि उसने पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया, नॉन स्टॉप पढ़ाई की। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। द बेबी क्राइड ऑल द टाइम, द बेबी क्राइड ऑल द टाइम, द बेबी क्राइड द होल टाइम। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द टाइम मीन्स रोने के साथ साथ उसने स्टॉप भी लिया, लेकिन यहाँ पर जो है तो द होल टाइम यानी उसने लगातार रोया, नॉन स्टॉप उसने रोने का काम किया है। तो द होल का इस्तेमाल हम यहाँ इस तरह नॉन स्टॉप अमल के लिए, बगैर रुके कोई काम करने के लिए द होल का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द लेसन वंस अगेन। शी स्टडीड ऑल डे, वो सारा दिन पढ़ती रही। शी स्टडीड ऑल डे, उसने दिन भर पढ़ा, लेकिन कैसा पढ़ा, स्टॉप ले लेकर। शी स्टडीड द होल डे, उसने सारा दिन पढ़ाई की यानी नॉन स्टॉप, बस वो पढ़ती ही रही। द बेबी क्राइड ऑल द टाइम, बच्चा पूरा वक्त, तमाम वक्त रोता रहा, लेकिन स्टॉप ले लेकर। द बेबी क्राइड द होल टाइम, बच्चा सारा वक्त, तमाम वक्त रोता रहा। यानी यहाँ पर जो है तो बच्चे ने स्टॉप ले लेकर रोया, और यहाँ पर जो है तो उसने बगैर किसी स्टॉप लिए यानी वो लगातार रोता रहा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और अपने असातिज़ा से चेक करवा लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.